सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी प्रमोद पयासी ने भाजपा सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में आम जनमानस तथा किसानों सहित हर वर्ग परेशान है तथा सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की बनी हुई है। आवारा पशु किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं तथा सड़कों में दुर्घटनाओं का शिकार भी होते हैं, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ना तो गौ सेवक बने घूमते कार्यकर्ता भी दिखाई देते हैं, ना तो किसी भी पार्टी के नेता या सामाजिक कार्यकर्ता समस्याओं के समय दिखाई देते हैं। अगर दिखते हैं तो सिर्फ चुनाव के दौरान यह सोचने विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि गौशाला निर्माण हेतु सिर्फ भूमि पूजन होता है, परंतु निर्माण कार्य नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि निर्माण कार्य सिर्फ कागजों में हो पाता है, जो कि खानापूर्ति मात्र है। अगर गौशाला निर्माण हर पंचायतों में हो जाए तो आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिल सकती है। जिस तरह से आवारा पशु सड़कों में घूम रहे हैं और किसानों के खेती को नष्ट कर रहे हैं, तो ये किसकी कौन इसका जिम्मेदार हो सकता है? इसकी जिम्मेदार सरकार है जी, सरकार इसकी पूर्णतः जिम्मेदार है। आवारा पशुओं पर अंकुश लगाना सरकार की जवाबदेही है जी, जिसके कारण किसान परेशान न हो जी। और ये समस्या सरकार अगर चाहे तो निराकरण हो सकता है जी, पर सरकार का ध्यान इधर जाए तब ना जी। पूरे प्रदेश में हर गांव में इतने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं जिनके लिए कोई काम नहीं जी। अनुमानित पता है मुझे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी 5 रुपए किलो खाद खरीद रही है, गोबर खरीद रही है। हमारे यहाँ सरकार अगर 2 रुपए भी खरीदे, मध्य प्रदेश की सरकार अगर जैविक खाद बनाने के लिए गोबर खाद 2 रुपए किलो भी खरीदे, तो मेरा ये मानना है कि 10-10, 20-20, 25-25 की संख्या में हमारे यहाँ का किसान पालेगा और उसको एक काम भी मिल जाएगा जी। गिरी हालत में अगर 20 पशुओं को पालता है एक किसान, तो उसके पालने में ये मानिए कि 40 किलो कम से कम गोबर तो होगा ही जी, तो 40 × 80 रुपए उसको प्राप्त हो रहे, क्यों छोड़ेगा वो? उसी पैसे से किसान उनको भोजन व्यवस्था भी कराएगा, उनको खरी चूनी की भी व्यवस्था होगी, और जितना वो खाएंगे उतना गोबर खाद बढ़ाएंगे। अगर सरकार चाहे तो बंद हो सकता है जी। और जिस तरह से माननीय विधायक जी ने कई जगह गौशालाओं का भूमि पूजन किया, तो उसमें अभी किसी भी गौशाला में निर्माण कार्य नहीं चालू हुआ, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है जी। गौ सेवक सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में ही थे जी, कि पशु कटने ना जाने पाए जी, कोई खरीद के ना ले जाने पाए। अगर कोई खरीद के सही सही घर में पालने के लिए भी ले जा रहा है और उसके गौ सेवक और बजरंग दल के लोग देखे, तो उसको जाके पकड़ लिया कि तुम तो ऐसे ले जा रहे हो, पैसा दो मुझे जी। ये तो एक बढ़िया धंधा है भारतीय जनता पार्टी के बजरंग सेना के लिए, और एक गौ सेवकों के लिए। और एक सबसे बड़ी समस्या देखने में मिलती है कि पशु जो है दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं सड़कों में, सवाल ही नहीं उठता। वाहन चलते हैं, रात भर पशु चरता है, सुबह से आकर के बाजार में जहाँ अच्छी जगह पाता है, पीसीसी रोड पाता है, डामरीकरण की रोड पाता है, वहीं आके विश्राम करता है जी, क्योंकि उसके विश्राम करने की जगह नहीं है। और जहाँ भी जाता है वो मारा जाता है, खेदा जाता है, तो उसको जहाँ लोग नहीं खेदते और वाहन इतना चलते हैं, स्पीड पर चल रहे हैं, तो पशु का, गौ माता का, सबका इनका नुकसान तो होगा ही, एक्सीडेंट होगा ही, और मरेंगे एक्सीडेंट से, मर रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।